भाग यहाँ से। सर सर रुकिए सर, मेरी गाड़ी सर सर। कोई मेरी गाड़ी सीज करके ले गया है, छुड़ाना है। किस एरिया से उठाया? इसी एरिया से। हमारे एरिया से गाड़ी उठाने की हिम्मत किसने की हा? भाई ए, बात कर रहा हूँ ना। कोई हमारी गाड़ी सीज करके लेके गया है भाई। क्या, मेरी गाड़ी को भी सीज कर दिया? किसने मेरी गाड़ी को सीज किया है? ए रखी तलवार निकाल। यहाँ सीजर कौन है? पता नहीं। तो किसको पता है? भाई मैं बताता हूँ, आइए। एक्सक्यूज मी भाई, ये टिप सीजर है। हाँ। ये प्लास्टिक सीजर है। हाँ। और ये स्टील सीजर है। हाँ। और ये नॉर्मल सीजर है। बस ये एक एबनॉर्मल सीजर है। अब आप बताइए कि कहाँ से काटूं? अबे तेरी तो। कौन सी राशि है तेरी? मकर राशि। इतनी बेकार क्यों है? अरे क्या करे यार, टाइम ही सही नहीं चल रहा है। वो कोई सीजर है भाई। सीजर वो क्या होता भाई? गाड़ी उठा ले जाते हैं ना, उन्हें सीजर कहते हैं। ए, ये काम तो हमारे भी भंडर करते हैं। अरे चोरी करके नहीं भाई, गाड़ी को लीगल तरीके से ले जाते हैं, उन्हें सीजर कहते हैं। अच्छा ये दीपक। हाँ? उस रोड पे देख के मेरी गाड़ी। हाँ? खड़ी है या नहीं? हाँ, ठीक है। ए, रानी लेना देखना। अरे आराम से ले सकता है। तुम में से कौन सीजर है? यहाँ सीजर कौन है? पता नहीं। ए, तू है क्या? नहीं मैं नहीं हूँ। ए, तू सीजर है क्या? बच के निकल जाएगा गुरु। गुरु अगर वो बच गया तो हम नहीं बचेंगे। गुरु 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 चलो, उसे छोड़ना नहीं है। गुरु चलो। गुरु गुरु मेरी बात सुनो। गुरु गुरु क्या कर रहे हो? गुरु 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 मेरी बात सुनो। गुरु गुरु क्या कर रहे हो? वो चला जाएगा। गुरु कहाँ चला गया? मुझे हाथ मत लगाना।
गुड मॉर्निंग सर। सर वेलकम ऑफिसर, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ऑफिसर्स, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग बलराम के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशली क्राइम ब्रांच से अपॉइंट होकर आए हैं मोस्ट एफिशिएंट डायनेमिक यंग ऑफिसर मिस्टर धर्मेंद्र। क्यों बे, मेरी गाड़ी सीज करेगा? तेरी इतनी हिम्मत, अब हमने तुझे सीज कर लिया है, तुझे बचाने के लिए कौन आता है मैं भी देखता हूँ। काम करने वाले सभी सीजर्स का मैं इकलौता फाइनेंसर हूं। वेंकी जी भाई, अपना सीजर सतीश आईसीयू में है, उसकी जगह पर किसी अच्छे सीजर को ढूंढो। मेरी नजर में एक है भाई। नियत और ताकत दोनों में नंबर वन है। उसका नाम क्या है? सीजर है सर। मैंने पूछा उसका नाम क्या है? उसका नाम ही सीजर है। ठीक है, उसको बुलाओ। देखो मेरा यार
करो पार जिंदगी करो बेकार जो भी आया सामने वो हो जाता होशियार कोई मुझे ना बता मुझे सब है पता कौन कितना से आना कब कर देगा पार दुश्मन का दुश्मन हूँ मैं यारों का मैं यार यहाँ बेवजह ना पंगा लेता करता सबसे बार यहाँ दुश्मन का दुश्मन हूँ मैं यारों का मैं यार यहाँ बेवजह ना पंगा लेता करता सबसे बार यहाँ नमस्ते सर। नमस्कार सीजर। लुक में गट्स है, आउटलुक में कॉन्फिडेंस है। गुड। 150 गाड़ियां सीज कर पाओगे तुम? उसकी कमर देखो बेंस की तरह। ए, उसके पैर देखना कॉन्टेसा की तरह हैं। ए चवन्नी, तू कभी नहीं सुधरने वाला है। जब देखो चवन्नी गिरी करता रहता है, जब देखो लाल टपकता रहता है। उधर देख। ए, सब लोग बैठो स्पॉट अंदर बैठ। चलो 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 चलो। देख रहे हो इन्हें गुरु, कार को बार बनाकर अंदर ही मजे कर रहे हैं ये लोग। गाड़ी आगे ले जाने के लिए कहो। कार से बाहर निकल। ए, गाड़ी पे लोन है, चल बाहर निकल। क्यों बे, तू कौन है? क्या तेरी माँ बहन पूरी फैमिली? ए!
बस छोड़ दो मुझे। अबे ओए, तेरी माँ बहन मतलब मेरी भी माँ बहन। हे गुरु, अरे मुझे फंसा कर कहाँ चला गया? शुक्र है भाई बच गया अपन। अबे तू कौन है बे? पर मुझे क्यों मारा? अरे मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ, हमेशा पीने आता हूँ। आज कुछ नहीं खाऊंगा, तुम लोग जो मिल गए यहाँ पे हैं, चलता हूँ। हेलो डेंटिस्ट, अरे दो दांत टूट गए, बिठाना जरा उसे। हे गुरु, हे गुरु। क्या यार गुरु, तुम भी मुझे वहीं पर छोड़कर चले आए तुम? स्पॉट, तू गाड़ी में क्यों नहीं बैठा? है ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। क्या रे, जब मैंने उसका दांत तोड़ा तो मुझे लगा कि तू गाड़ी में बैठा है। आधे रास्ते में जाकर देखा तो तू था ही नहीं। अरे उन्हें एड़ा नहीं बनाता ना तो मुझे जरूर पेड़ा खिला देते। चल कोई बात नहीं, कोलीवाड़ा में जाकर वहाँ गाड़ी खड़ी है, लेकर आ जा। गुरु हमेशा तड़ी पार जगह पे ही भेजते हो, वो काला चौकी, वो धारावी, माइम, बहराम पाड़ा, ये सब जो है ना, भिंडी बाजार, चरसी लोगों का अड्डा है गुरु। और तुम तो बढ़िया ऑफिशियल जगह पे जाते हो, एमजी रोड, लोखंडवाला, पालेल, अम्बोली वगैरह वगैरह। ठीक है ठीक है, ओके तू आगे जा, मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा। चल जा। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है तू नहीं आने वाला है। मैडम एटीएम यही है। हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ा जाकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। क्या भाई, आज दो दो गाड़ी डबल बोनस है क्या? सीज करते समय गाड़ी चेक नहीं की थी, चेक करके लिस्ट में डाल देना। ठीक है भाई। भाई यहाँ क्या हुआ? गुरु ए स्पॉट, जल्दी से बीजीएस हॉस्पिटल पहुंच जा। क्या हुआ गुरु? तेरे जाने के बाद मैंने एक एम्बुलेंस को सीज किया, उसमें एक पेशेंट है यार। एम्बुलेंस के साथ पेशेंट को भी सीज कर लिया? बकवास मत कर, जल्दी पहुंच। अरे रूपा, सुनिए, इमरजेंसी केस का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैन यू डोनेट योर ब्लड, इट्स अर्जेंट। यहीं रोक दो भाई, मैं अभी आया। अंकल क्या हुआ उसे बेटी, आखिर उसको हुआ क्या है बताओ तो? अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती ये लड़की, मेरी बात तो कभी सुनती ही नहीं है। सलाम साहब, यही उस चाय की दुकान का मालिक है सर। नाम क्या है आपका? करीम अब्दुल जाफर साहब। कहाँ रहते हो? धारावी में साहब। बताओ उस दिन क्या हुआ था? बताता हूँ साहब, बलराम भाई मेरे यहाँ चाय पीने आए थे, उनके आने के दो मिनट बाद एक ट्रैक्टर आकर खड़ा हुआ साहब, बस इतना ही पता है साहब। चाय के ग्लास धोने के बाद देखा वो लोग भाग रहे थे, पीछे कौन लोग भाग रहे थे ये देखने से पहले वो बहुत दूर चले गए साहब। ट्रैक्टर जाने से पहले मैंने उसका नंबर नोट कर लिया था और वो नंबर मैंने उसी दिन साहब को दे दिया था। बलराम को आप कैसे जानते हैं? वो मेरी दुकान पर आते जाते थे साहब, और मैंने उन्हें पेपर में भी देखा था। आखिर वो कौन हो सकता है? बहुत काम पड़ा है यार, जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है ना? ओके गुरु, हाँ बस गुरु यहीं रोक लो, यहीं हाँ बस बस बस। ए गाड़ी यहाँ मत लगाओ, पार्किंग में लगाओ। ए काले जामुन, पहले अपनी जिप लगा, हमें मत सिखा पार्किंग कहाँ करनी है।
आप तबीयत कैसी है? ये कौन है चाचा जी? आप लोग कौन हैं? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कल ये मैडम एम्बुलेंस में थी और सीजर लोग एम्बुलेंस सीज करके ले जा रहे थे। इतने में साहब ने जाकर चार लोगों से झगड़ा किया, एम्बुलेंस को हॉस्पिटल ले आया और मैडम को यहाँ एडमिट करवाया। थैंक यू। ये कैसे हुआ सर? कल कॉलेज से निकलने के बाद इसे चक्कर आया और ये गिर गई। बस एक मिनट के लिए एटीएम से पैसे निकलने गई, इतने में कोई आया और एम्बुलेंस ले गया सर। शुक्र है इन्होंने तुम्हें सही समय पर बचा लिया। सुनिए क्या हुआ? ये दवाइयाँ लेकर आई। हाँ ठीक है मैं लेकर आता हूँ। आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर आता हूँ। जरा ध्यान रखना बेटी। आप करते क्या है सर? हमारे साहब ना सीजरों के भी सीजर है। सीजर मतलब? आरटीओ इंस्पेक्टर है। गुरु देवी के साथ बात करनी हो तो कर लो, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, देवी से बात करनी है ये कह रहे हैं। मेरा नाम देवी नहीं, दिव्या है। अच्छा, वैसे नाम में क्या रखा है, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। ये लीजिए हमारे साहब का कार्ड। ये क्या कर रहे हैं बे? इसमें तो सिर्फ नंबर ही लिखा है। हमारे साहब एक ईमानदार ऑफिसर है। क्या बोले तुम? है ना गुरु, ट्रांसफर बहुत होता है इनका, इसीलिए पर्सनली इस कार्ड को मैंने अपने हाथों से बनाया है। DRC FRC DL ELL LL ट्रांसफर MOCC। बस एक फोन कीजिए मैडम, आपका काम हो जाएगा। चुप रहना, अब हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। थैंक यू। देखा कैसे बात को घुमाया, बचा लिया तुझे। अबे चुप नहीं रह सकता। एक्सक्यूज मी, व्हाट? टेल मी। कल आपने ये ब्लड डोनेट किया था ना? जी हाँ। मेरे साथ आइए। खून पिएगी क्या गुरु? अब क्या हो गया यार? कल आपका ब्लड हमने एक पेशेंट को चढ़ाया, अब देखिए वो कैसे बिहेव कर रहा है। सभी गाड़ियाँ एकदम स्वर्ग की अप्सराएं लग रही है। चलने वाली ट्रेन को भी नहीं छोड़ने का, उड़ने वाला प्लेन भी नहीं छोड़ने का, सीज मतलब सीज करने का सबको। उठा ले गाड़ी को, क्या देखता है रे? भाई मैं हूँ। यहाँ पार्किंग नहीं है और गाड़ी कहाँ पार्क की है कुछ पता नहीं चल रहा है, अब क्या करूँ भाई? तुम एग्जैक्टली हो अभी कहाँ पर? मैं एग्जैक्टली शिवाजी नगर के मस्जिद के पास हूँ। शिवाजी नगर के बस स्टॉप के पास जाओ। हाँ। वहाँ ऊपर कार पार्किंग लॉट होगा। okay. कवर की गई हुई गाड़ियों को वहाँ चेक करो। हाँ। जो गाड़ियाँ लोन पर ली गई हैं, वो गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ए, तू चलो आ गया। ये क्या गुरु, ये तो हमें ही हूल दे रहा है, लगता है खुद को डॉन समझता है ये। आखिर ये है कौन? शक्ल से तो बंदर लग रहा है। बंदर के साथ साथ पागल भी लग रहा है गुरु। बदबू तो सबके बगल में होती है, इसके तो पूरे शरीर में आ रही है। कौन हो रहे तुम लोग? सीजर। ए डोंट टच, गंदे कहीं के। सीजर, सीजर बोले तो जेब कतरे, मतलब चोर। अरे बाप रे। ए सीजर नहीं, सीजर। ए दोनों तो एक ही है ना। अरे तेरी तो दो बार हाथ मत लगाना। गाड़ी पर लोन है। ए तो होगा ही ना, इंटरनेट पर पॉन और गाड़ी पर लोन तो होता ही है ना। जैसे पॉन देखना गैर कानूनी होता है, वैसे ही लोन पर ली हुई गाड़ी को छूना भी तो गैर कानूनी है कि नहीं? ए, ऐसे के नवाब भी दिखा रहा है, सेकंड हैंड गाड़ी ली है, सेकंड हैंड गाड़ी पे कोई इतना रुआब दिखाता है? मेरे पास सब कुछ सेकंड हैंड ही है। मतलब बीवी भी सेकंड हैंड है? बेकार की बातें मत कर, मेरी बीवी एकदम फर्स्ट हैंड है, लेकिन क्या है ना मेरी दो दो बीवी है। ये भी इलीगल है। क्या बात करनी है? गाड़ी का लोन सेटल करके गाड़ी लेके निकल ले, बस इतना ही ना। हाँ तो पहले बोलना चाहिए था ना, बेकार में बहस करना शुरू कर दिया। हाँ कितना हुआ? 2 लाख रुपए। मेरे को लगा 200 रुपया होगा। खैर छोड़ो, इस बार जाने दो ना, कपड़े उतर जाएंगे। ऐसा क्या? नहीं ये लो, पहले ही देना चाहिए था ना बंदर की औलाद। सब तो दे दिया ना। चल हट गाड़ी के सामने से। जम्मा आयला। ए हाय ए जारे ए तम तम ए ओय ए हाय। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, चोर और सीजर एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ चोर बिना बताए गाड़ी ले जाते हैं और सीजर लोग तो कमीने मालिक के सामने ही गाड़ी ले जाते हैं। सीजिंग लेटर बताए भी नहीं गाड़ी लेके चली गई, कौन सी फाइनेंस कंपनी, मैटर क्या है? अरे बाप रे। अरे सुनो, हेलो जाने दो, वो ऐसे भी डीजल नहीं है।
आधे किलोमीटर में ही मिल जाएंगे। हाँ बोल, क्या है भाई? वो आईपीएल के मीटिंग में सारे पैसे गवा दिए भाई। गांव में सेटल होने को सोच रहा हूँ। कार भी बेच सकता हूँ, लोन पर उठाई है। वो कभी भी गाड़ी सीज कर सकते हैं भाई। आपको दी तो आपसे सीज करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, इसीलिए आया हूँ भाई। कार की प्राइस क्या है? 3 लाख है भाई। और उस पे लोन कितना है? 2 लाख भाई। हाँ, तुम्हें कितना चाहिए? 1 लाख देंगे तो आपको दे दूंगा भाई। भाई गाड़ी एकदम मस्त है, दे दीजिए भाई। पैसे दे के सेल लेटर पे साइन करवा ले। धन्यवाद भाई, डील हो गई। इसकी गाड़ी पे फाइनेंस कहाँ का है? वन एंड ओनली फाइनेंस कंपनी। हेलो, चक्र चक्रवर्ती बोलिए। MH01 MG351 कार जो है ना, अब वो मेरे पास है। हाँ, उस गाड़ी पर हमारा HP लगा हुआ है। अब अगर किसी ने भी उस गाड़ी की तरफ देखने की कोशिश की, हाथ लगाने की कोशिश की, तो उसके हाथ में काट डालूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो गाड़ी सीज करके ही रहूंगा। हिम्मत है तो आके सीज करके दिखा। नंबर 52 सेकंड मेन रोड शिवाजी नगर मुंबई 20, गाड़ी मेरे कंपाउंड में खड़ी है। चलो भाई, टपका देते हैं। नहीं, पता है भाई ने क्या कहा था? अगर किसी ने कंपाउंड में पैर रखा तो उसके हाथ पर काट के गटर में फेंक देना। याद आया तुम्हें? भाई वो आदमी गाड़ी लेकर चला गया। कहाँ से लेके गया? यहीं अपने घर के कंपाउंड में से। तुम लोग के सामने? हम लोग के सामने से गाड़ी लेकर चला गया। अबे ठक्कन, उसको मार के उसके हाथ पर काट के गटर में फेंकने के लिए बोला था। जिस दिन खून हुआ था तुम बस लेकर कहाँ गए थे? रामपुर गया था सर। खून ही तुम्हारे बस में आया कैसे? पता नहीं सर। तुम्हारे पीछे एक ट्रैक्टर आया था, वो कहाँ गया? पता नहीं सर। ओके, इस खून के बारे में कुछ जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता सर। आप छोड़िए सर, ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा, इसे अपनी भाषा में समझाना होगा। इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर इसे छोड़ दो। अब तुम जाओ, लेकिन बुलाने पर आना होगा। हे, कौन है ये लोग? भाई वो चक्र चक्रवर्ती। तुम जाओ। हाँ बोलिए भाई, क्या काम? मेरे घर के कंपाउंड से जिसने भी गाड़ी उठाई है, मुझे उस सीजर का पूरा डिटेल चाहिए। सॉरी, मैं अपने आदमी का डिटेल्स नहीं दे सकता। नहीं दे सकता बोलने से हम छोड़ने वाले नहीं है। सीधी तरफ बताओ वरना तेरी औकात दिखा दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। सीधी तरह मेरा बैलेंस अमाउंट दे दो और अपनी गाड़ी लेकर जाओ। 2 लाख नहीं, पूरे 3 लाख दूंगा। उस सीजर को मेरे सामने लाओ और उसको मेरे हवाले कर दो। करोगे या नहीं? नहीं करूंगा, बोला ना। समझ में नहीं आता क्या तुमको? लगता है कुछ और करना पड़ेगा। ओए, तेरी गाड़ी उठाने वाला आदमी मैं हूँ, उनसे क्या बात कर रहा है? तेरे गुंडे भी वहीं थे? तेरे घर में घुसकर अकेले ही गाड़ी लेकर आया हूँ, कोई मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। खाली गाड़ी सीज करने से इतनी चर्बी चढ़ गई। बैलेंस पेमेंट देकर अपनी गाड़ी लेकर चुपचाप निकल जा। अगर ज्यादा बात की ना तो दरवाजा बंद करके बुरी तरह पीटूंगा। छूकर दिखा। चुपचाप रास्ता ना अपने, इससे भिड़ा तो होलिया बिगड़ जाएगा तेरा। भाई इनके एरिया में है इसीलिए ज्यादा शान पट्टी दिखा रहे हैं। जाएंगे कहाँ, मिलेंगे एक दिन। छोड़ूंगा नहीं। चल निकल यहाँ से।
अबे सेठ की गाड़ी के पीछे जाने के लिए बोला तो लड़की के पीछे गया। बेटा सेठ बहुत खतरनाक है, उल्टा लटका देगा तुझे काट के। वो तो मुझे भी चाहती है भाई, जब भी मुझे देखती है ना तो आंख मारती है। पागल हो गया क्या? हेलो हेलो, इंस्पेक्टर बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर कौन से थाने के? मेरा मतलब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, वो आरटीओ इंस्पेक्टर, राइट? आप ही ने तो कहा था कि आप इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर, आप कौन बात कर रही हैं? दिव्या, उस दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना आपने। ओहो, आप हैं, मुझे तो लगा कि आप किसी सब इंस्पेक्टर की बात कर रही हैं। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक और हेल्प मांगना चाहती हूँ। अब इसे कौन सी हेल्प की जरूरत पड़ गई? ठीक है, हाँ बोलिए। मेरे चाचा जी ने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट की है, उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को मेरे नाम पर ट्रांसफर करवाना है, और आप तो वैसे भी एक आरटीओ इंस्पेक्टर हैं, तो आप जहाँ बुलाएंगे ना मैं वहाँ आ जाऊंगी। आप क्यों आएंगी, मैं खुद आ जाता हूँ ना। नो 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 नो, आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं ही आ जाऊंगी, एंड दैट्स फाइनल। आपके आरटीओ का एड्रेस क्या है? चार बंगला आरटीओ। मैं आपका नाम भूल गई। सीजर नाम है। ओ यार, सीजर, राइट। ओके, मैं एक घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओके, किसका फोन था गुरु? दिव्या का। कौन दिव्या? हाँ? ओहो, तुम्हारी देवी दिव्या, हाँ? बात क्या है? जल्दी से चार बंगला के आरटीओ में एक ऑफिस का जुगाड़ कर। हेलो, बोलिए मैडम। एलएल या डीएल? इंस्पेक्टर सीजर कहाँ मिलेंगे? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर या सीजर? इंस्पेक्टर ही सीजर हैं। मैडम आप कंफ्यूज कर रही हैं, इंस्पेक्टर अलग हैं, सीजर अलग हैं। इन दोनों में से किससे मिलना है आपको? नहीं नहीं, सीजर नाम के इंस्पेक्टर से ही मिलना। अरे, है मुझे पता नहीं है मैडम, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं सर खाने के लिए। एक्सक्यूज मी। नमस्ते मैडम। यही है क्या आपका ऑफिस? बिल्कुल यही है, आप आइए तो। आइए। कहा ना, आरटीओ ऑफिसर बोल रहा हूँ, रखिए फोन। आइए आइए आइए। हाय सीजर। आइए आइए बैठिए। डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। मैंने तो चार फोटो मांगे थे। तीन लगते हैं ना सर। चुप रहना। सॉरी, चार लगते हैं, चार। कोई प्रॉब्लम नहीं, कल दे देना, कल मिल जाएंगे ना। ओके ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन कर दीजिए। आप फर्स्ट टाइम हमारे ऑफिस आई हैं, कॉफी तो लेंगी ना? स्पॉट नहीं, स्पॉट बॉय है, जरा दो कॉफी लेकर आओ। कॉफी? कहा ना कॉफी लेकर आओ। ऐसा कहिए ना सर, अभी लेकर आता हूँ। वो क्या है ना, चार फोटो इसलिए मांग रहा था कि एक एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहा है वो। एक्चुअली यहाँ कॉफी अच्छी नहीं मिलती, बाहर एक कॉफी हाउस है, वहाँ चलकर पी लें। ओके। हाँ तो मैं कह रहा था कि कौन हो तुम लोग, मेरी परमिशन के बगैर चैम्बर में कैसे गए? लगता है आप लेटर ईमेल वगैरह नहीं पढ़ते हैं, पहले आप वो पढ़ लीजिए। स्पोर्ट बॉय, जरा आप इन्हें समझाइए। ठीक है सर, आप चलिए। हेलो सर, आपका ट्रांसफर हुए 3 दिन हो चुके हैं और हमारे बॉस को अपॉइंट हुए 2 दिन हो चुके हैं। आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। हे मवाली, हे वॉचमैन सर, ऐसा आपको किसी ने बुलाया क्या? माँ कसम, आप ही आरटीओ इंस्पेक्टर हैं सर, हम तो सिर्फ एक डमी है सर। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ डमी। सर मेन्यू, 2 कप चिप लेकर आना। सॉरी, कम अगेन? कप चिप? वो कैपेचिनो होता है। हाँ हाँ वही भाई, 2 लेकर आ जाओ, जल्दी लेकर आना। हाँ ओके सर। सो देन क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। What's up with your look, man? I mean, spiky hair, दाढ़ी, ये सब वहाँ चलता है क्या आपके डिपार्टमेंट में? चोरी करने वाले, खून करने वाले सब स्टाइल में रहते हैं, हम उनके बाप हैं, इसलिए और ज्यादा स्टाइल में रहना चाहिए ना। सर ये ऑर्डर कपे चिप है ना? आई अंडरस्टूड। ओके, अच्छा वैसे आप काम क्या करती हैं? एग्रीकल्चरल कोर्स कम्प्लीट करूंगी ये सोच कर आई थी, पर आने से पहले एक चीज मैंने डिसाइड कर ली थी। वो क्या? कि मुंबई में किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करूंगी। वो क्यों? मुझे इस मुंबई शहर से बहुत डर लगता है। क्या कहा? मुंबई तो प्यार की नगरी है, मुंबई एहसासों की नगरी है, मुंबई रिश्तों की नगरी है, मुंबई विश्वास की नगरी है। ये शहर करुणा से भरे महाराष्ट्र का दिल है, राजधानी है, पूरी दुनिया का दिल जीतने वाला ये मुंबई शहर एक दिन आपका दिल भी जीत लेगा।
सुपरमैन, व्हाट अ डायलॉग यार। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में नहीं, शहर के बारे में बात कर रही थी। मुंबई का मतलब हम और हम का मतलब मुंबई। कैसे? अब हम पुलिस वाले हैं ना, पूरे शहर में जगह जगह घूमते रहते हैं, इसलिए मुंबई को ही अपना घर मानते हैं। अच्छा लेट हो रहा है, हम चलें? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पैसे दिए हैं मैंने, कॉफी पीकर ही यहाँ से चलेंगे। व्हाट, पुलिस होकर पैसे दोगे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ईमानदार पुलिस, हाँ स्ट्रिक्ट मैन यू सी। ओह कॉफी, एक्सपेंसिव कपे चिपो, पियो ना। मैं तो पहले ही पी चुका हूँ। मुंबई वालों पर कभी भरोसा नहीं करूंगी ये सोचा था, लेकिन कहीं मेरा दिल इस मुंबई के लड़के पर तो नहीं आ गया। तेरा जादू यूं मुझ पे चला, औवा औवा ये दिल तुझ में ही खोने लगा। तेरी बातों का ये कैसा असर है सनम, मुझ में तो अब कुछ ना रहा। तेरा दीवाना, सुन जाना आ बाहों में आ जाना, सुन जाना मैं हूँ तेरा परवाना। दिल की बातें हैं जी तू भी मान ले, अब तू ओ जाना दिल, हाँ दिल तुझसे मिला, जादू तेरा ही चला, दिल हाँ दिल तुझसे मिला। तेरा जादू यूं मुझ पे चला, औवा औवा ये दिल तुझ में ही खोने लगा। तेरी बातों का ये कैसा असर है सनम, मुझ में तो अब कुछ ना रहा। ओ जन मन कोई छू न पाए कभी तेरा बदन, ओ जन मन आंखें दिखाए कोई किस में है दम, हम भी किसी से नहीं यहाँ पे है कम। तेरी वफा तेरी चाहत में डुबकर मर जाएंगे सनम, तेरी हंसी से मुझे जीना यारा आ गया, दिल हाँ दिल तुझसे मिला, जादू तेरा है चला। गाड़ी रोको 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 रोको, क्या गुरु 6 महीने से इस गाड़ी को ढूंढ रहे थे हम लोग। गाड़ी रोक गाड़ी रोक, रोक। गुरु गाड़ी आगे लगा ना इसके। हाँ रोक ले रोक ले। तुम? हाँ तू? हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? ए, चल गाड़ी से बाहर निकल। कशाला? ए, गाड़ी पे लोन है, चुपचाप बाहर निकल, उतर नीचे। हाँ इस गाड़ी पर कौन सा लोन है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, चलो दिखाओ तुम्हारा सीजिंग लेटर किधर है, फाइनेंसर कौन है बताओ मुझे, लेकर आओ उसको इधर। ए स्पॉट लेटर दिखाओ। हाँ दिखाओ। ये ले देख। वन एंड ओनली फाइनेंस, 2.5 लाख रुपया कैश दिया मैंने, तो फिर आप काहे को सीज करोगे गाड़ी को मेरे। ए,
इस गाड़ी पर 2.5 लाख रुपए का लोन है, तू हमेशा बकरा क्यों बनता है? गाड़ी लेने से पहले एनओसी वगैरह नहीं देखता क्या? एनओसी मतलब एनओसी एफआरसी डीआरसी आरसी ये सब देख कर देना चाहिए समझे? स्कूल में मिले 6 सब्जेक्ट भी पढ़कर पास नहीं हो पाया तो ऐसे में इतनी सारी चीजें मैं कहां से अपने दिमाग में रखता बैठूं? लेने से पहले ये सारी पूछताछ नहीं कर सकता था क्या? हां नहीं कि मैंने पूछताछ, गाड़ी देखी अच्छी लगी पसंद आई तो मैंने ले ली बस, आप क्या करूं बताओ? गाड़ी की चाबी कहां है? गाड़ी में ही है। ठीक है साइड में आ। क्या हुआ? सीज करने का तुमको कितना मिलता है? 10,000 रुपए। बस खाली 10,000 रुपए? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको 5,000 रुपए देता हूँ इस केस को क्लोज कर दो। तो समझ में आ जाएगा, 10,000 देगा तब भी नहीं होगा। ये कैसा आदमी है, पुलिस को भी 100 रुपए देने पर पूरा केस रफा दफा करके वो गाड़ी को छोड़ देते हैं और मैं तेरे को 5,000 दे रहा हूँ फिर भी तुम मना कर रहे, कैसा आदमी है रे? 5 लाख रुपए देगा तब भी नहीं दूंगा, मालिक से बेईमानी नहीं करता। चाबी अंदर है ना, चल साइड में आ जाए, चल निकल। तू बाइक लेकर आ जा। ये बंदर बार बार हमसे ही टकराता है। ए, तेरी गाड़ी का लोन ठीक से भरा हुआ है क्या? ओ घर जाके सो जा भाई। हेलो 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 हेलो, अरे एक्सक्यूज मी, अरे अपना लेटर तो पकड़ो भाई, अब निकलो। अबे जाना, ये लोग हर बार मेरे को पकड़ लेते हैं, क्या करूं इनका मैं? भाई इसके तो जॉकी नहीं मिल रही है। जॉकी? जॉकी गुरु, जॉकी। ये ले खींच ले। गुरु कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा कार्ड। इस वक्त किसका फोन है यार? हेलो। हाँ ब्रो, टेंशन मत लो ब्रो, मुंबई में जहां भी होगी मैं उस गाड़ी को ढूंढकर सीज कर दूंगा। ओके ब्रो बाय। गुरु ब्रो बोला ना, वो क्या होता है? ब्रोकर। खजूर की औलाद है क्या? देख ये गाड़ी वो गाड़ी और वो वाली सबकी ऑनलाइन पर बिडिंग चल रही है। और हाँ जो जरूरी पार्ट्स है सब निकाल लेना। ठीक है भाई। और हाँ वो है कहाँ? कौन भाई? सीजर। वहाँ है भाई। गुरु थोड़ी बात करनी है। कैसी बात? एक गाड़ी सीज करनी थी। क्यों भाई, तू भी तो अच्छा सीजर है, तू ही क्यों नहीं सीज कर लेता? ओनर पहचान का है, छू नहीं सकता। क्यों गुरु, कुछ तो झोल लग रहा है। देख गुरु, तुम्हें गाड़ी सीज करने पर 10,000 रुपया मिलता है ना? मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। पक्का लफड़े वाला काम है ये? नहीं हो सकता। ए छोटे, तू इसी को शेर कह रहा था क्या? हाँ ये तो मुझे चूहे से भी ज्यादा डरपोक लग रहा है। ए! देख गुरु, ताव दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता है तो हाथ जोड़ लो, हम चुपचाप चले जाएंगे यहां से। अगर हो सकता है तो सीना ठोक के बोल हम। एड्रेस आरटी नगर 8 मेन, वहां एक ही बंगला है और किसी भी वक्त हम वहां जा नहीं सकते। 10 बजे से 11 बजे तक ड्राइवर के लिए गेट खुलता है, ड्राइवर के पास ही चाबी मिलेगी। गाड़ी लेकर आना और पैसे लेकर जाना। तू पैसे तैयार रख बेटा, मैटर कुछ और हुआ ना तो समझ लेना। क्या हेलो, गाड़ी सीज हो गई है। गुरु 50,000 दूंगा कहा था मैंने, अब 1 लाख रुपए दूंगा। गाड़ी जहां से उठाई थी वहीं पर लेकर आ जाओ। येड़े तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? येड़ा? अरे येड़ा, अरे येड़ा तो मुझे भूपति कर देगा यहाँ। जल्दी आओ ना। मैं वहाँ गया तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। उसने कहा है कि वो कुछ नहीं करेगा। ए, मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज गुरु, प्लीज गुरु, ये मुझे टपका देंगे।
मेरे सामने खड़े रहने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी एक बार सोचता है, और तू तो सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी का सीजर है, तूने मुझे क्या समझा है? ड्राइवर समझा मैंने। ओह, व्हाइट कपड़े पहनने वाले सब ड्राइवर होते हैं। मेरे घर में सफाई वाला खाकी पहनता है तो तू उसे पुलिस समझेगा? इसका क्या करें? मार देते हैं भाई। छोड़ दीजिए। क्या हुआ? कार ले जाते वक्त तो बहुत डेयरिंग की तूने। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे आदमी को। मैं यहाँ अकेला आया हूं तो मेरी हिम्मत के बारे में तो पता चल ही गया होगा। बात हिम्मत की नहीं है, इज्जत की है। ये क्या है पता है? बुल। इस भूपति सम्राट की सवारी घूरने से ही हम ठोक देते हैं। तूने तो टच किया, तुझे कैसे छोड़ेंगे? कुचल देंगे, तुझे खत्म कर देंगे। गांव में त्योहार के समय जानवर की बलि देते हैं। तेरी तो इंस्पेक्टर धर्मा, क्या बात है? बलराम के केस पर कुछ बात करनी है। आओ पन्ना, आ जाओ, चलो बैठिए। क्या जानना चाहते हैं? यही जानना है ना, आप उससे आखिरी बार कब मिले, फोन पर कब बात की, क्या क्या बातें की, किसी पर आपको शक वगैरह है क्या? यही ना। देखिए, मेरे दुश्मनों की लिस्ट में पांडवों की तरह सिर्फ 5 लोग नहीं हैं, कौरवों की तरह सैकड़ों दुश्मन हैं। हाँ, आपको जब किसी पर शक होता है तो आप पकड़कर तहकीकात करते हैं, और जब हमें शक होता है तो हम उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। किसे कब पकड़ना चाहिए, किसे कब छोड़ना चाहिए, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हम किसी के भी पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ते, लेकिन पड़ गए तो उसे छोड़ते नहीं। ऑल द बेस्ट, सी यू सून। ओए, हाँ भाई, कहाँ है वो लड़के? वो चले गए भाई। क्या कहा? गुरु, मोबाइल बंद क्यों रखा है? क्या हुआ? भाई ने फोन किया था। किस बारे में? कल सुबह किसी अपार्टमेंट से गाड़ी सीज करनी है बोल रहे थे। गाड़ी का डिटेल? गाड़ी डिटेल छोड़, अपार्टमेंट की डिटेल बताता हूँ सुन। उस बिल्डिंग के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फुल सिक्योरिटी टाइट। ओनर के परमिशन के बगैर कुत्ता भी अंदर नहीं जा सकता। वो गाड़ी कभी बाहर नहीं निकलता क्या? ऑफिस से कैब आती है गुरु, छुट्टी के दिन भी गाड़ी बाहर लेकर नहीं आता वो। ये गाड़ी सीज करने में बहुत मजा आएगा। बस क्या हुआ? अब बारिश से सेफ हो गए। बारिश को भी आज ही आनी थी। वो वॉचमैन हमें देख रहा है। शुरू हो जाओ गुरु। इंग्लिश टॉक मैन। ओके ओके ओके, आई एम बेटर इंग्लिश गुरु। हां, या वॉचमैन इज गोरिंग। ए गोरिंग नहीं, सीइंग बे। ओ अंडरस्टैंड, कम नाउ लेट्स टू वर्क। फॉलो मी। ए स्पॉट, तू वहां देख, मैं यहां देखता हूं। ओके ठीक है ठीक है। मिली क्या? कोना कोना छान लिया, गाड़ी कहीं है ही नहीं गुरु। ठीक है, वहां देख। हाँ, देखता हूं। यहां पे 90% गाड़ियां लोन वाली हैं। मिल गई। ए स्पॉट। हाँ हाँ? क्या करे गुरु, एक नंबर का चैप्टर है वो तो। 304। कौन कौन है आप? हम आपकी गाड़ी सीज करने आए हैं। गाड़ी सीज करने का कितना मिलता है तुम्हें ये जानकर आप क्या करेंगे? बताइए ना। 10,000 रुपए। मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, गाड़ी छोड़ के जाओ। देखा गुरु, कितना मान है ये। 2,00,000 दोगे तब भी नहीं मानूंगा। मंत्री के अपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर का काम देख रहा हूँ, इसलिए सॉफ्ट लग रहा हूँ क्या? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसा समझ रहे हो क्या? ओहो, मेरा भी अच्छा बैकग्राउंड है। हाँ? मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। बापरे, मैं तो डर गया। अरे रे 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 रे, बापरे बापरे बापरे। तू शायद बातों से नहीं मानेगा, तुझ पर हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, है ना गुरु? क्या हुआ, काम हो गया अपना? भाई यही उनका ऑफिस है। वन एंड ओनली फाइनेंस ऑफिस है, मतलब ये एक नंबर है। और आप भाई? मैं 6 नंबर।
खोपड़ी कहां लगाई है देख लो। हे रुको, अंदर कहां जा रहे हो? हे भाई, इसने मेरी गाड़ी सीज की है। हे हे हे, इसके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बैठ जाओ। क्या हुआ, मुझसे बात करो। कल आपके लड़के ने इनके अपार्टमेंट से इनकी गाड़ी सीज कर ली। हमारे आदमी से पंगा लेते हो, तुम लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है, समझ रहे हो क्या? आवाज नीची रखो और काम की बात करो। मैं सेटलमेंट करने आया हूँ। लोन लेने के वक्त तो तुम नहीं आए। मैं लोन लेने के वक्त नहीं आता, सेटलमेंट करने के वक्त आता हूँ। ठीक है, गाड़ी का नंबर बताओ। MH05MG8919। 3 लाख बाकी है। 3 लाख बाकी है? ये गरीब आदमी है भाई। इंफोसिजल में जॉब है, 1 लाख सैलरी मिलती है, 1 करोड़ का फ्लैट है, और इसे तुम गरीब आदमी कह रहे हो? हाँ, वो सब मैं नहीं जानता। मैं यहाँ आया हूँ, सेटलमेंट कर दो। 3 लाख दे दो और एनओसी लेकर जाओ। 3 लाख नहीं दे सकते, 1 लाख दे देंगे। गाड़ी दोगे या नहीं बता दो, उसके बाद गाड़ी को यहाँ से कैसे लेकर जाना है मुझे अच्छी तरह पता है। 1 लाख से काम नहीं होगा, 3 लाख ही लूंगा। मार्केट में तुमको भी धंधा करना है, मुझको भी धंधा करना है। मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, अगर मुझसे पंगा लिया ना तो बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, 2.5 लाख रुपए दे दो। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तुम चुप बैठो। उतना नहीं होगा, हे निकालो, ये लो 1.5 लाख। अरे दो तो दो यार, मेरे पास सिर्फ इतने ही है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से पेपर बना दो, रख दो, कल आ जाना। कल आ जाना? हे तू चुप रह, मैं हूं ना, कल कितने बजे आऊं? इसी टाइम पर आ जाना भाई। ये क्या भाई, सिर्फ 1.5 लाख ही लिया? तुम बस देखते जाओ, मुझसे सेटलमेंट करेगा वो। और हाँ, जल्दी से एनओसी रेडी करो। हे जल्दी से लेटर दे दो। अरे मुझसे क्या बात कर रहे हो, भाई से बात करो। ठीक है भाई। हे भाई साहब, रिलीजिंग लेटर किधर है? ए भाई रिलीजिंग लेटर दो ना। ए कौन हो भाई तुम? हाँ ए थू, कौन हो मैं नहीं जानता। कल मैंने 1.5 लाख रुपए दिए थे ना। किसको, कब, कहाँ, क्या दिया तुमने? हाँ ये क्या होशियारी कर रहे हो, मेरे साथ मेरे लड़के नहीं आए तो होशियारी कर रहे हो? फौज भी लेकर आएगा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? हेलो हेलो बॉस, बस क्या ये सब क्या चल रहा है? कल ही तो मैंने 1.5 लाख रुपए दिए थे ना, देने वाला भी यही था। देने वाला अगर वो है तो तुम कौन हो भाई? भाई मैं तो सेटलमेंट करने के लिए आया था। कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा सड़ा हुआ चेहरा कौन याद रखेगा भला? देखो उसकी गाड़ी पर 3 लाख रुपए बैलेंस है, पूरे पैसे दे दो और सेटल करके गाड़ी ले जाओ। देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा, हजम नहीं करने दूंगा भाई। मेरा क्या होगा? ए, मुझे क्या पूछ रहा है उसको पूछ। क्या भाई, आप सेटल करवाने आए थे, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? ए, मेरा दिमाग मत खा, चल। ये क्या सर, कल ही तो 1.5 लाख रुपए आपको दिए थे, अब आप अपनी जुबान से मुकर रहे हैं सर। अगर तुम्हें तकलीफ थी तो मुझे बोलते, मैं तुम्हारी जरूर मदद करता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उल्टा गुंडों को लेकर तुम मुझे ही डराने चले आए। इधर आओ, बैलेंस पैसे दे दो और गाड़ी लेकर जाओ। ठीक है सर, ठीक है। फुल हाउसफुल। सर आपने हमारी गाड़ी इस तरह क्यों रोकी है? ओ भाई साहब, आपकी गाड़ी सीज करने आए हम, लेटर देख लीजिए और चुपचाप गाड़ी की चाबी दीजिए। सर प्लीज सर, 1 घंटे की मोहलत दे दीजिए, फैमिली को एयरपोर्ट छोड़कर आ जाऊंगा सर, अर्जेंट है सर, प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए सर। सीजर के बालों में कैची चाहे तो घुमा सकता है, लेकिन सीजर के सामने से गाड़ी नहीं ले जा सकता कहीं। सर सुना ना उसने क्या कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। 1 घंटे की बात है सर, प्लीज सर। कुछ नहीं अब्बा, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, आप जा रहे हैं ना इसलिए। तुम्हें बोला ना, आपको विश करने आए हैं। हज मुबारक हो। शुक्रिया, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत बनाए रखे और आप पर भी। संभल कर जाइए, आप चलिए बैठिए, मैं आता हूँ। क्या गुरु तुम भी ना, तुम चुप रहो, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, 1 घंटे में गाड़ी यहाँ होनी चाहिए। ठीक है भाई, पक्का आ जाऊंगा भाई। स्पॉट गाड़ी आते ही वो गाड़ी तू लेकर आना और मैं ये गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, लगता है पुलिस की गाड़ी है। कौन है ये लोग, इस वक्त क्या कर रहे हैं? साहब नमस्कार। ए, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? गुड नाइट सर। सर यहाँ एक गाड़ी सीज करने का मैसेज मिला था, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं सर। वो कौन है? वो हमारे बॉस हैं सर, नाम सीजर है।
लफड़ा वगैरह मत करना, काम हो तो ये निकल जाना। ओके सर। ए, सीजिंग लेटर दिखाना। ये लीजिए सर। ठीक है ठीक है, काम जल्दी निपटाना, समझ गए ना? ओके सर, बाय सर। गुरु, बातें मुझसे कर रहे थे लेकिन फोकस तुम्हारे ऊपर था। गुरु, ए, हमारे एरिया में क्या कर रहे हो भाई? सीजर लोग क्या करते हैं मालूम है ना, एक गाड़ी आने वाली है उसे उठाने के लिए खड़े हैं हम। ये एरिया सही नहीं है, निकलो यहाँ से। अबे तेरी तो मुझे सिखाता है, मैं भी कम नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से, आइटम के सामने शाना बन रहा क्या? चल निकल, चल जा, चल जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, हाँ मैं सिखाने चला था। सर थैंक यू सर, हमारे धर्म में गरीब हो या अमीर जिंदगी में एक बार उसे हज पर जाना ही चाहिए। सर अगर आप गाड़ी जाने नहीं देते ना तो मेरे माँ बाप हज पर नहीं जा पाते। थैंक यू सर, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा इसे। ये लीजिए सर। शुक्रिया सर, चलता हूँ सर। हेलो, सीजर मिलोगे क्या? क्यों दिव्या? वो मैं अपने गांव जा रही हूँ तो तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए। हाँ तो बोलो ना। हेलो हेलो हेलो। स्विच ऑफ हो गया। गुरु, ये ले तेरी चाबी और डॉक्यूमेंट्स। देर हो रही है बेटी। सॉरी चाचा जी। चलो चलो चलो, बस स्टॉप तक मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ो छोड़ो, मैं उठा लूंगा। छोड़ो, चलो आओ भाई। कहाँ है सीजर? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है। वो इधर ही है भाई। फोन दो उसको। हाँ देता हूँ। गुरु भाई का फोन ला दे। हेलो सीजर। रामपुर रामपुर, चलो चलो जल्दी उतरो। चलिए मैडम, रामपुर आ गया मैडम। चलो चलो चलो। पता है उसी दिन एमजी रोड पर ना? हाँ हाँ, उस गाड़ी के ओनर से दोबारा टकरा गया। उसके बाद जो हुआ ना, रहने दे मत बता। कसम से। हाय हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज मेरा बर्थडे है, ये आपको कैसे पता चला? आपके डीएल से। ओह थैंक यू सो मच सीजर। घर चलो ना। रहने दीजिए, फिर किसी दिन आ जाऊंगा। ओह देखो, मना मत करो, आपको चलना ही होगा। यहाँ गांव में थोड़ा काम है। ओ, वैसे भी आप मुंबई आएंगे ना, तब मिलेंगे प्लीज। ओके ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर। अच्छा गुरु, अब गाड़ी सीज करने चले क्या? बता साले, मुंह खोल अपना। संतोष। यस सर। ए चल चल। क्या नाम है तेरा? माधव है सर। सुबह सुबह 3 से 5 बजे तक चाय पीता कौन है संतोष? सर कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स और राउडी शूटर्स, ये 3 कैटेगरी के लोग ही ज्यादा आते हैं। इसके और उस चाय वाले के बयान पर गौर किया जाए तो लगता है कि मैंने उन दोनों को कहीं देखा है, लेकिन कहां देखा है कुछ याद नहीं आ रहा है। स्वामी शरणम अयप्पा। गुरु, चाचा जी का फोन आया था, कल शबरीमला जाने के लिए कहा है।
स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा 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 स्वामी शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा 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 शरणम शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा। आपने तो माला पहन ली, कोई आपको मारे नहीं इसीलिए ना। अच्छी बात, जिंदगी से प्यार करना चाहिए और मौत से डरना चाहिए। गुनाह करने वाले यहाँ भगवान के दर्शन की चाहत लेकर आते हैं, उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, लेकिन नेक और शरीफ लोगों को भगवान खुद बुलाते हैं। आपको भी बुलाया है क्या भगवान ने? फोन किया था या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था? तेरी बकवास सुनने के लिए मैं खामोश बैठने वाला भगवान नहीं हूँ, शैतान हूँ मैं, सबको ऊपर पहुँचाता हूँ। सुनो साहब, मैंने ये माला पहनी है इसलिए अभी तक आपसे शांति से पेश आ रहा हूँ। मैंने ये माला उतार दी ना तो तेरी मुलाकात यमराज से करवा दूंगा। क्षमा प्रभु, स्वामी शरणम अय्यप्पा। आप दर्शन करके कब लौटेंगे? अति शीघ्र। अरे जाइए जाइए जाइए, हम इंतजार करेंगे। अपने भगवान से जीवन दान मांग लेना, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे मृत्यु देने वाला हूँ। शेर पर बैठे अय्यप्पा के दर्शन करने के बाद मैं तुझे सीधा ऊपर भेज दूंगा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम अय्यप्पा 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 स्वामी। सुनिए स्वामी, क्या है? वो दूसरे स्वामी सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। स्वामी वो प्रसाद लेकर घी लेकर कुछ तो खाने के लिए आएंगे, अब आप चुपचाप अपना काम कीजिए। स्वामी बहुत भूख लगी है। क्या स्वामी, जब से आप आए तब से देख रहा हूँ, खाने को दो खाने को दो खाने को दो, बस खाने को दो खाने को दो खाने को दो। अगर यही चलेगा तो मेरे साथ आगे से मत आइएगा, दिमाग खराब हो गया मेरा। चुपचाप पहले अपना काम कीजिए। भाई जरा उसे देना इधर। भाई दूसरे स्वामी लोग आएंगे ना तो तुम लोग खा लेना, दिमाग मत खाना मेरा। वो थैला दो भाई। स्वामी शरणम। मुंबई से जो ऑर्डर भेजा था उसका क्या हुआ? मुंबई में जो तलवार मिलती है वैसी तलवार केरला में एक भी नहीं मिलेगी। सुना है केरला में जो तलवार मिलती है उससे शिकार कभी मिस नहीं होता। चल निकाल। पन्नी स्वामी, मैं दयानंद स्वामी बोल रहा हूँ, जल्दी से हमारे साथ आइए, हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। स्वामी स्वामी शरणम अय्यप्पा। आप कहाँ हैं स्वामी? मैं रघुनाथ स्वामी बोल रहा हूँ, जल्दी से यहाँ ऑफिस में आ जाइए स्वामी। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा, पाटलिपुत्र से आए श्रीधर स्वामी, मैं कमलेश स्वामी बोल रहा हूँ, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, दर्शन के लिए देर हो रही है स्वामी जी। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी मैं करियप्पा स्वामी बोल रहा हूँ, बेंगलुरु से आए हुए कटप्पा स्वामी को ढूंढ रहे हैं, जल्दी से मुझसे यहाँ आकर मिलिए स्वामी। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। ए मुर्गा स्वामी, आप कहाँ चले गए?
हम सब तालाब के पास सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी आइए, बहुत देर हो रही है। मुंबई के स्पॉट स्वामी, हमारे दर्शन हो चुके हैं, प्रसाद भी मिल चुका है। हा? आप जहां कहीं भी हैं ऑफिस में तुरंत आ जाइए स्वामी। मतलब काम हो गया? इंडिया में अभी अंधेरा नहीं हुआ और चंद्र आ भी गया। आइए दुबई के साहब जी। इंसान की छाया देखकर वो कौन है ये जान जाते हो, लेकिन हमारे बलराम के कातिल को अभी तक नहीं जान पाए। सब काम हम ही करेंगे तो पुलिस को सैलरी क्यों दे, थोड़ा उन्हें भी काम करने दो। नहीं, हमारे आदमी को छूने वाला बचना नहीं चाहिए, उसी दिन उसका खात्मा होना चाहिए। छूते ही काटने वाले जानवर होते हैं, शिकार करने वाला शिकारी, वो कौन है ये मुझे पता चल जाएगा, फिर देखना मैं उसे कैसे तड़पा के मारता हूं। तुम बहुत दूर से आए हो, कम लेट्स रिलैक्स। कौन सा एरिया? श्रीरामपुरा। लो प्रसाद। एरिया कौन सा है? कलानगर बांद्रा। लो प्रसाद। नमस्कार साहब, कहिए कैसे याद किया मुझे? ये कौन है पता है? इनकी बात कर रहे हैं? मुझे पता है सर, हमारे डिफॉल्ट कस्टमर है, कल रात को ही मैंने इनकी गाड़ी सीज की थी। अगर पूरे शहर की गाड़ियों को तू ही सीज करेगा तो हम कौन सी गाड़ी सीज करेंगे? सर कहीं आपने भी तो इन्हें लोन नहीं दिया? अबे तू अपने आप को समझता क्या है? तू मुझसे मजाक कर रहा है? मजाक कर रहा है? अब दिखाता हूँ तुझे, डाल इसे अंदर। स्टॉप, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इडियट भाई, बेल हो गई है, चलिए। दोस्त वो नहीं होता जो बेल करके छुड़वा ले जाता है, जो कांड करके अंदर आए और साथ दे उसे कहते हैं दोस्त। तुम लोग जाओ। कौन है वो जिसने हमारे लड़के को अरेस्ट किया है? ये लोग कौन है? सर मुंबई की सभी पुलिस स्टेशन में इनकी फाइलें हैं, जो कभी ना क्लोज हुई है ना कभी। तुम्हें मारा गया? नहीं भाई। क्या किया है उसने? इलीगल तरीके से बिना परमिशन के गाड़ी सीज की, इसलिए अरेस्ट किया। हम गाड़ी को सीज करने से पहले कमिश्नर को एक लेटर, पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर और कस्टमर को भी लेटर भेजते हैं। यही हमारा बिजनेस है, वो भी लीगल है। उसे अरेस्ट करने का अधिकार आपके पास नहीं है। हाँ? छोड़ दो उसे। वेट, हम खुद आ रहे हैं, चल स्पॉट। दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा इंस्पेक्टर, चलो। बड़ा आया हमें अरेस्ट करने वाला। अरे पहले भाई, आपने हाँ। पूरे शहर वालों को लोन दे रखा है, पुलिस को क्यों नहीं दिया? हाँ, एक आदमी को दिया है। बैठो अंदर। जी भाई। मैं बताता हूँ, देखो इन्हें अपने बाप की सड़क समझ के कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं। चल चल गाड़ी उठाते हैं। सर आधी लाइन में। अबे बेवकूफ, गाड़ी को लाइन से बाहर निकाल के फोटो खींच के अंदर डाल दे उसको। बेचने पे तो 500 भी नहीं मिलेगा, लेकिन छुड़ाने पे 700-800 मिल जाएंगे। जल्दी से डाल। अरे रे। सर पार्किंग प्लेस में गाड़ी पार्क की थी, फिर भी क्यों लेकर आ गए? अरे भाई, पार्किंग की लाइन के बाहर गाड़ी खड़ी थी, फोटो भी खींचा है, प्रूफ दिखाऊं क्या? 750 भरो, गाड़ी लेके जाओ। ये लीजिए, रिसिप्ट दीजिए। नेक्स्ट। सर बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी सर, इतने में आप गाड़ी उठा लाए सर? देखिए मैडम, जिस तरह आप अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं, उसी तरह गवर्नमेंट के रूल का भी ध्यान रखा करिए। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, इसलिए हम लोग उठा कर लाए हैं। 750 भरिए और गाड़ी लेकर जाइए। हाँ नेक्स्ट। गाड़ी का नंबर बोलो भाई। 2904। वन एंड ओनली फाइनेंस 2904। अरे तो इसी गाड़ी का नंबर है। सीजिंग लिस्ट में होने की वजह से ये लेटर आपको दिया है। अंदर कौन बैठा है दिखाई दे रहा ना? इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सीजिंग लिस्ट में होने की वजह से लेटर आपको थमाकर ये गाड़ी अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप गाड़ी से उतरेंगे या आपको भी गाड़ी के साथ लेकर जाऊँ?
अरे गुरु, कोई गाड़ी है जिसे सीज करने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे? चल जाना, कोई भी हड्डी फेंकेगा और तू मुंह मारने के लिए चला जाएगा। गुरु फॉरेन ब्रांड है, इम्पोर्टेड। क्या वाकई ब्रांडेड है ना? क्या मजाक कर रहे हो गुरु, पार्टी इधर ही है। ठीक है, बुलाओ उसे। ए ब्रदर इधर आ। कौन सी गाड़ी है रे? पगानी। और हाँ, गाड़ी बिना चाबी के भी खुलती है, एवरीथिंग इज सिग्नल ऑपरेटेड। भाई फिक्र मत करो, हम प्यार से गाड़ी को लाकर दे देंगे। गाड़ी को ओपन करने की कोशिश की तो एरिया इंस्पेक्टर को अलर्ट मैसेज चला जाएगा। गुरु इसके लिए भाई सही है, फोन लगा उनको। Hello, welcome to Bagani Customer Care. What can I do for you? I have lost my car key. What is the procedure to open the car? Surely, I can help you, sir. Who is the registered owner of the car? I am the owner of the car. Your good name, sir? My name is Bhupati. Please tell me your vehicle number. The vehicle number is MH05MB8055. Okay. Please tell me your date of birth. 01/01/1970. Okay, sir. To open your car lock, you have to pay money. Please tell me how much should I pay? 200,000 Indian rupees. 2 lakhs. Okay, done. I will transfer it immediately. Hey, हाँ भाई. 2 lakh rupees transfer कर दो. जी भाई. Okay, sir. Thank you. Your car lock will be opened in a few minutes through satellite. ये कैसे हो गया भाई? ऐसे ही हो गया, तुम नहीं समझ पाओगे। चलो भाई, 16 ओनली फाइनेंस कंपनी ने अपनी कार सीज कर ली है। उठा के ले आओ उसे। इन सिंगदानों को पैक करके वहीं से पार्सल कर सकता था मैं, लेकिन जिसने मुझे उठा लाने के लिए कहा उससे मिलने की तमन्ना हो गई। तो समझ ले तेरी ये तमन्ना तेरी आखिरी तमन्ना है। इस भूपति का सामना करने के लिए या तो ताकत चाहिए या दौलत। अगर तू सीधा मुझसे सामना करके मेरी गाड़ी ले जाता तो तेरे में सच में ताकत है, मैं मान लेता। लेकिन तू किसी अली बाबा के चिराग को उठाकर लाया और अपनी दौलत की ताकत दिखा रहा है। जो मेरी ताकत को आजमाता है ना, उसे मैं दिल खोल कर जवाब देता हूँ। जिसे प्रेम की भाषा ना समझ में आए, उसे ऊपर पहुंचाने में वक्त बर्बाद नहीं करता। चुटकी चुटकी बजाते ही तेरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ये हीरोगिरी तू किसी और को दिखाना, क्योंकि इस फिल्म का असली हीरो मैं हूं। ए सीजर, भूपति की सीज की हुई गाड़ी को कॉर्पोरेशन फील्ड में लेकर आओ। कमाल है यार, जुबान पर गुस्सा है और दिल में सिर्फ डर है। डर की वजह से मैं मौत के आगे पीठ दिखाकर नहीं खड़ा हूं, सीना दिखाकर खड़ा हूं। 5 मिनट में तुम सबको खत्म करके मैं यहां से जा सकता हूं। ये हीरोगिरी होगी, लेकिन सीज की हुई तेरी गाड़ी को यहां ला करके तेरे सामने घर जाऊंगा, क्योंकि मैं मर्द हूं। जो नीचे है वो इस सांड के साम्राज्य का है,
उठेगा और तुझे सिंग मारकर उड़ा देगा। सिंग मारना तो दूर, पैरों पर खड़े होने के लिए साल लग जाएगा। मांगता है तो स्कैन करा लो, रिपोर्ट जो मैंने बोला वही आएगी। भाई तो ये इसी का आदमी है। देख लिया ना। मुझसे मेरी गाड़ी छीनने वाले इन कमीनों की अगर मैंने सांसें ना छीन ली तो मेरा नाम भी भूपति नहीं। ए, रुको रुको रुको, ए, रुको रुको। हो गुरु, सेम केस है पहले की तरह। आई चगावत, अरे भाई तो हमेशा मेरी गाड़ी के पीछे काय को पड़ा रहता है। तुम लोग को सिर्फ मैं ही दिखता हूँ क्या? किसी और की गाड़ी नजर ही नहीं आती है क्या? दिस इज माई ओन व्हीकल मैन। ये तो देख के ही पता चल रहा है तेरी और तेरी गाड़ी की हाइट बराबर है। अरे छोड़ दे यार, छोड़ दे, सिर्फ एक ही लाख की गाड़ी है यार, जरा समझा करो। ओए, लोन क्यों नहीं भरता है? इस गाड़ी का भी लोन क्लियर नहीं है। क्या यार, एक तो लफड़े की गाड़ियां खरीदता है, ऊपर से हमें परेशान करता रहता है तू। अरे क्या करे गुरु, मिनरवा सर्कल के यहाँ हाफ रेट में चीप रेट में गाड़ी हमारे गले में बांध देते हैं, क्या बताऊं? कोई भी गाड़ी लेने से पहले उस गाड़ी पर कितना लोन है, क्या क्या बाकी है, कुछ पता नहीं करता है क्या? ऐसी भी बात होती है क्या गुरु? मेरे को तो पता ही नहीं था। ए बटले, हमारे सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा है और हमें ही बता रहा है। तो अभी क्या करना है? अब हम गाड़ी सीज करने वाले। ऐसा क्या? हाँ, गाड़ी की चाबी मेरे पास है, तुमको जो करने का है वो कर लो। ए स्पॉट, चल उठा ले गाड़ी। क्या गुरु, अपने धंधे में गाड़ी के भी पीछे करना पड़ता है। अरे भाई रुक जाए, अरे रुक तो सही, चाबी तो मेरे पास है, फिर स्टार्ट कैसे की? गुरु शेड के पास आ जाना। ए तू निकल। ए अगर ये गाड़ी वापस नहीं दी ना तो पुलिस कंप्लेंट करके अंदर कर दूंगा दोनों को। एक बात सुन ले, पुलिस स्टेशन हमारा दूसरा घर है, हमारा स्कूल है, सुबह वहाँ जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। दोबारा देखना मत। हेलो सर, हेलो सर, सर प्लीज सर, एक्सक्यूज मी, अरे ऑटो में जाने के लिए पैसा नहीं है। तो पैदल चला जा। कैसे लोगे यार, पुलिस कंप्लेंट करूंगा बोला तो? बोलते कि वो स्कूल है, घर है, हम सुबह जाते हैं और रोज शाम को वापस आते हैं। इधर कोई लॉरी वाला भी नहीं दिख रहा है। 11 नंबर जिंदाबाद। हेलो। हाय, मुझे अचानक घर क्यों बुलाया? गांव से मेरे पापा आए हैं, उन्हें आपसे इंट्रोड्यूस करवाना है। आइए अंदर। पापा, मैंने कहा था ना आरटीओ इंस्पेक्टर हैं, मिलिए इनसे। नमस्ते सर। ये है, आइए 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 साहब, आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। लक्ष्मी, ये इंस्पेक्टर साहब है। नमस्ते माँ जी। चाय कॉफी का बंदोबस्त करो। बैठिए बैठिए सर। ओहो, आपसे मिलने के बाद ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने जो दिव्या के लिए किया ना, मेरे भाई ने बताया। हमारी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करके आपने बड़ा एहसान किया। वो तो मेरा फर्ज था सर। आपका नाम? सीजर। फ्रीजर? नहीं नहीं, सीजर सर। ये नाम है क्या? हाँ सर, मेरा नाम सीजर है। खैर रहने दीजिए, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। कहिए ना सर। मैंने अपनी कार का लोन ठीक से हर महीने भरा है साहब, उसके बाद भी मेरी कार सीज कर दी है। ओके। मैं ना लोन पर कभी कुछ लेता नहीं हूँ, ये कार ले ली मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आप आरटीओ इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए आपको सीज की हुई गाड़ियों के बारे में सब पता है, ऐसे वक्त पर आप साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, यही सोचकर आपको आने के लिए कहा। आज ना उस फाइनेंस कंपनी को मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। कौन सी फाइनेंस कंपनी है सर? अरे वही वन एंड ओनली कार फाइनेंस कंपनी, पूरे शहर की नाक में दम कर रखा है। घर के सामने गाड़ी खड़ी थी, इंस्टॉलमेंट भरने के बाद भी गाड़ी सीज करना गलत नहीं है क्या? गलत नहीं है सर, मतलब लोन टाइम पे भरेंगे तो कोई चीज नहीं करेगा सर। हे भगवान, मैंने हर महीने टाइम पर ही भरा है सर, आप चाहें तो उन्हें एक मिनट सर, मैं आपको इंस्टॉलमेंट की रसीद दिखाता हूँ, आप बुक पढ़िए, मैं अभी आता हूँ। पैसे फोकट में आते हैं क्या? मेहनत के पैसे हैं। स्पॉट, क्या कह रहा था, इसी एरिया में गाड़ी है। हाँ बोलो गुरु। मैं आरटीओ इंस्पेक्टर बनके ऑफिस में आ रहा हूँ। कोई खास बात है क्या? बॉस को बता देना। ए, ये सब उठाओ यहाँ से। साहब आप आगे चलिए, आइए आइए आइए, बैठिए यहाँ पर। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बैठ जाइए। आप बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए।
नमस्ते। नमस्ते। आरटीओ के इंस्पेक्टर को देखकर बराबर नमस्ते कर रहे हो। आज मेरी लगने वाली है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय कराने के लिए मैं अपने साथ आरटीओ इंस्पेक्टर को लेकर आया हूँ। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? हर महीने ईएमआई भरता हूँ, फिर भी आपने मेरी गाड़ी सीज कर ली। हम बोलिए सर, आप हर महीने ईएमआई भरते ना तो हम गाड़ी सीज नहीं करते। पर हमने एक साल के बाद भी ड्यू होता है तो हमें गाड़ी सीज करनी पड़ती है। अरे हमने अपने विष्णु के हाथों हर महीने ईएमआई भरा है सर। आपके विष्णु जी को फोन लगाइए। कहिए सर। अरे कहा है तू? अरे सुन, मैं यहाँ वन एंड ओनली फाइनेंस कंपनी में हूँ जो कार का हर महीने ईएमआई भरते थे ना। हाँ सर। वो कह रहे हैं भरा ही नहीं है। एक मिनट बात कर। नहीं सर, एक मिनट सर। सर आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो मैंने अपने काम में खर्च कर दिया सर। ये बात मैं आपको कई बार बताना चाहता था लेकिन आप मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दें इसी डर से नहीं बता पाया सर। अभी क्यों बता रहा है तू? आप मुंबई में है ना, इसीलिए। सॉरी सर। बेवकूफ नालायक, एक छोटी सी समस्या हो गई है सर। देखिए ना, हमारे विष्णु ने भर दिया करके सारे पैसे खर्च कर दिया और लोन भरा ही नहीं, तो अब क्षमा चाहता हूँ सर। जो भी होगा उसमें आपका इंटरेस्ट मिलाकर लोन चुका करके गाड़ी ले जाऊंगा। ये बहुत बिजी इंस्पेक्टर हैं, मेरे लिए टाइम निकाल कर आए हैं। बुरा मत मानिएगा सर, सॉरी परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं। अरे कोई बात नहीं है सर, अपने आरटीओ ऑफिसर के बारे में फिक्र मत कीजिए। ये हर जगह नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर कहीं घूम फिर सकते हैं। आप जितना तो नहीं सर। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं सर, माफ कीजिए। आप चलेंगे क्या? आप चलिए, मैं आता हूँ। चलता हूँ। हाँ, नमस्ते। माफ कीजिएगा, पहले उस विष्णु को ठीक कीजिए। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई। सर तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कॉफी पीकर जाइए। रहने दीजिए सर। आप कॉफी नहीं पियेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। कॉफी पीकर जाइए, बैठिए। ठीक है सर। दूध वाले पियेंगे या ब्लैक कॉफी? कुछ भी चलेगा सर। मिला क्या हमारी कार सीज करने वाला चोर? कह रहे थे सीजर का डिटेल नहीं दे सकते। वो अगर ये पूछते कि चोर कौन है तो मैं ही बता देती। आप बता देती? हाँ, हमारी कार सीज करने वाला चोर कौन है मैं जानती हूँ। हमारी कार सीज करने वाला वो चोर आप ही हैं। आई नो इट। गांव से वापस आए मुझे सिर्फ एक घंटा हुआ था, उतने में ही आप हमारे घर आए और हमारी गाड़ी सीज करके चले गए। तब मैं टेरेस पर ही थी और आप आरटीओ ऑफिसर भी नहीं हैं, ये भी मैं जानती हूँ। इनफैक्ट वो कौन है मैं नहीं जानता। इससे पहले मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरे कांस्टेबल ने थोड़े पैसों के लिए उन्हें मेरे चैम्बर में आने दिया। आज से मुझे आपकी ये फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, पर उससे भी कुछ बढ़कर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। वो क्या? अरे आपके पापा। आई लव यू, आई लव यू सीजर। कॉफी सर। ये कहाँ चले गए? वेस्ट हो जाएंगे। आपके पापा कह रहे थे आपके लिए कोई इंजीनियर लड़का देखा है। इंजीनियर नहीं, सीजर चाहिए। Oh, 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 oh,
फूलों की पंखुरी, चेहरा फूलों की पंखुरी, चेहरा फूलों की पंखुरी, चेहरा फूलों की एक परी, दिल में तेरी तस्वीर है, खुले आसमां में दिल तुझसे मिले, तू ही मेरी तकदीर है, तेरे पहलू में प्यार अपना पाले, तेरी आरजू तेरी चाहत करूं, तेरी बातों में यारा डूबा रहूं, चेहरा फूलों की पंखुरी, चेहरा फूलों की पंखुरी। हेलो, कहाँ है भाई? तू कौन है भाई? पहले तू कहाँ है ये तो बता। तुम्हें किससे बात करनी है? ए, तेरी इतनी हिम्मत तू मेरी गाड़ी उठा कर ले गया? ए, कौन सी गाड़ी रे? 11166 I-10। वो गाड़ी नहीं मेरे लिए, मेरी औरत से बढ़कर है। ए, चुप रह रे। 3 महीने से लोन नहीं भरा, तेरी गाड़ी सीज नहीं होगी तो तुझे बुलाकर प्राइस देंगे क्या? तू कहाँ है इतना बता, वहाँ आकर मैं तुझे सीज कर लूंगा। मारने का अगर इतना ही शौक है, आजा, मैं 4 बंगला के पास हूँ, आजा। अभी आता हूँ, तू वहीं रुक। ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, साइड में, साइड में, साइड में। अरे काई को, अरे साइड में लगा, लगा काई को, चल, है चलना। अरे इधर, अरे रुको, ले रहा हूँ ना, ले रहा हूँ। साइड में, साइड में, साइड में, साइड में। छोड़ो, मैं लेके आ रहा हूँ ना। अटारा गाड़ी चलाता है, गॉगल पहन के स्टाइल मारता है, गॉगल निकाल, निकाल। अरे मेरी गाड़ी काई को रोकी यार। साहब जी, आपकी गाड़ी सीज कर रहे हैं साहब जी। ये सिर्फ 5,000 रुपए की गाड़ी है, इसका भी किसी ने लोन भरा नहीं है, ये मत बोलना मुझे। अबे बंदर, 500 रुपए का लोन में नहीं भर सकता क्या? ए मिस्टर, हमारी गाड़ी को सीज क्यों कर रहे हो? मैडम, इस गाड़ी का लोन बाकी है। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं जीप में आया तो जीप लेके चले गए, कार में आया तो कार भी ले गए, अब इस खटारा स्कूटर को भी ले जाने की बात कर रहे हो। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। हाँ, घूर क्या रहा है तू? तो ये तो थाम, आज इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या क्या सीना तान के क्या दिखा रहा है, मैं भी दिखा सकता हूँ, ये देख। ए बटले, क्या करेगा? तू रह के बात कर, समझा? किससे बात कर रहा है तू, पता है क्या? मेरे को क्या समझ रहा है? गुरु, महीने में 500 रुपए का लोन भी नहीं भरता, 15 साल हो गए लोन लिए इसे। तू है तुझ पर कैसा फटीचर है, तू गाड़ी रखता ही क्यों है बे? ये तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। भगवान के लिए, मेरी पत्नी के सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला मत करो। तुम 2 मिनट रुको, इनसे मैं बात करके आता हूँ, बाद में क्या करना है देखते हैं। आज हम तेरी गाड़ी सीज करके ही रहेंगे, समझा? मेरी गाड़ी को सीज करने का है, ठीक है कर लो। अरे तू इधर आओ, वरना तेरे को भी सीज कर लेंगे। ए बटले, एक बात बता, ये भी लोन पे है या हाफ पेमेंट है? मतलब तेरी अपनी है या भाड़े की है? तो बोलना क्या चाहता है? हेलो, ये लीगल है या इलीगल, ये पूछ रहे हैं भाई। अरे फैमिली के बारे में बेकार की बातें नहीं करने का, वरना मुझसे बुरा। वो क्या है ना कि पिछली बार दूसरी औरत के साथ आए थे ना, इसलिए पूछा। पूछ लीजिए, चलो रे, आज गया काम से। ये मैं क्या सुन रही हूँ जी? हाँ, अरे ये बकवास कर रहा था ऐसी बेकार में, तुम क्या गलत समझ रहे हो? देखो तुम मुझे जानती हो ना, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। तुम घर आओ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। अरे तुम छोड़ के क्यों जा रही हो? इधर आओ ना, मैं तुमको पिक्चर दिखाऊंगा। तुम चतरे है। सारे डिटेल्स इसमें हैं, अगर कुछ पूछते हैं तो सिर्फ गांव का ही नाम बताना। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भाई, बोलेगा भाई, बोलेगा।
ए बॉस हैं। हाँ बोलिए भाई। हाँ शिवा तुम कहाँ हो? भाई मैं यहाँ किसी को सबक सिखा रहा हूँ, बोलिए भाई। हाँ सुनो, सीआईडी क्वार्टर्स में एक गाड़ी सीज करनी है। आ, अरे बाप रे भाई, अगर मैंने उनकी कार को हाथ भी लगाया ना तो वो मुझे सीधा आसमान में भेज देंगे भाई। ए तेरे में इतना ही दम है? सॉरी भाई। चल फोन रख। ठीक है भाई। तेरे की ए, भाई का फोन है तो उठाना। हाँ भाई कहिए। ए गोल्डी। हाँ भाई। सीआईडी क्वार्टर्स जाकर एक गाड़ी सीज करनी है। भाई अगर मेरा गोल्ड पहनना पसंद नहीं तो बोल दीजिए ना भाई। तुझसे भी नहीं होगा क्या? मैं हथकड़ी नहीं पहनना चाहता। ठीक है फोन रख। हेलो भाई, आपने मुझे फोन किया था ना, क्या बात है? मेरा एक काम रिस्की है, करोगे क्या तुम? हाँ बताइए ना। सीआईडी क्वार्टर्स में जाकर एक गाड़ी सीज करनी है। काम हो जाएगा भाई। थ्री एट फाइव वैगनार। कीड़ा समझ रखा है, नंबर प्लेट निकाल देने से गाड़ी सीज नहीं होगी क्या? आता ओला खान आतुर भाई, इमरजेंसी की मेकर। मेरे हाथों से बनी हुई चाबी से गाड़ी स्टार्ट ना हो ऐसी कोई हिस्ट्री ही नहीं है भाई। सेंसर है या विदाउट सेंसर है भाई? सेंसर। तो फिर मुझे किट लाना होगा भाई। भाई भाई करना बंद करो और जल्दी से सीआईडी क्वार्टर्स आ जाओ। मैं आ रहा हूँ भाई। या अल्लाह, काम दे दिया, बच्चे को खुश कर दिया। जल्दी नहीं आया तो आज तेरी खैर नहीं। टूजी, ये टूजी कहाँ है? अरे अल्लाह, पुलिस। अताउल्ला खान की मेकर। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं हूँ ना एक्सपर्ट। ये क्या? सर टोना नहीं कर रहा। जल्दी कर। हो गया। या अल्लाह मदद कर। मिल गया मिल गया मिल गया। अरे बस हो गया। अरे अरे रुको, हो गया। अरे क्या हुआ? क्या सर, नरम होगा समझा तो, बहुत कड़क है ये। कड़क? एक हाथ से नहीं होगा, दूसरा भी डालना होगा। आजा। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया। रुको रुको, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ अगर नहीं आता ना तो मुंह ही डाल देता। किसमें डालता? वायर में। वायर में? ओहो, आपको क्या लगा? ये लेट टच करते ही इसे बर्न होने के लिए 3 सेकंड लगेगा। उस 3 सेकंड में आपको स्टार्ट करना होगा। ओके है ना? सॉरी। ओके ठीक है। एक्सपर्ट मैन अताउल्ला खान हूँ मैं। पुलिस वाले भी पैसे देते हैं? शुक्रिया। किसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ? तो फिर सीजर। सीजर है क्या? अब यहाँ से जाएंगे कैसे? एंट्री किसने की? मैंने। साइन किसने किए? मैंने। गाड़ी किसने स्टार्ट की? मैंने ही की। तो फंसेगा कौन? मैं ही। अब बाप रे, मुझे छोड़ दो, मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा, जाने दो। बैठा रहे, मैं ले जाऊंगा। बाप रे, लेट्स गो। या अल्लाह बचा ले मुझे, रहम कर। बाप रे, इतने सारे पुलिस खड़े हैं, मर गए। सलाम सर। चलो चलो चलो, जल्दी निकलो। या अल्लाह मैं बच गया। इस एक्सपर्ट की मेकर का नंबर आपको किसने दिया भाई? जस्ट डायल से मिला। किस डायल से? जस्ट डायल। अरे आपके फोन डायल से मेरा नंबर डिलीट कर दो। रुको रुको। बाप रे, हाय या अल्लाह। अरे मेरे भाई, आप कह रहे कि आप सीजर है और उस पुलिस वाले ने आपको सैल्यूट किया, वो कैसे? अरे दो बार हॉर्न बजाने से तो कोई भी पुलिस वाला गेट खोल देता है। दो बार हॉर्न बजाने से पुलिस वाला गेट खोल देता है, वो कैसे? किसी भी गाड़ी को सीज करने से पहले हम अच्छी तरह स्टडी करते हैं। मैंने देखा कि दूर से दो बार हॉर्न बजाने पर ये सैल्यूट करके गाड़ी को जाने देते हैं, इसीलिए मैंने भी सेम पैतरा अपनाया और उन्होंने क्वार्टर की गाड़ी समझकर जाने दिया। गाड़ी सीज करने के लिए दो बार हॉर्न बजाया? हेलो भाई, गाड़ी सीज हो गई। वेरी गुड, आ जाओ पार्टी करते हैं। जिसने मार भगाया, किसी के आगे हार न पाया, दुनिया में वो शेर बनकर
डर के भागे ना ये अपने दिल की सुनता ना ये अपने आप में है ये बेस्ट। डर को जिसने मार भगाया किसी के आगे हार न पाया दुनिया में वो शेर बनकर है जिया। सुन ले तू जरा फीवर शैतानों का यह किलर रहता नहीं है डर कर मर दुश्मनों को पकड़ कर बड़े बड़ों को ठीक ये कर दे चढ़ा जो गुस्सा इसके सर पर रहना यारो इससे डर कर मर गजब है इसका चक्कर बड़े बड़ों को ठीक ये कर दे चढ़ा जो गुस्सा इसके सर पे रहना यारो इससे डर के बड़ा गजब चक्कर ये है क्रेजी स्टार। डर को जिसने मार भगाया किसी के आगे हार न पाया दुनिया में वो शेर बनकर है जिया। सुन ले तू जरा किसके आगे हारे ना ये मौत से डर के भागे ना ये अपने दिल की सुनता ना ये अपने आप में है ये बेस्ट। बड़े बड़ों को ठीक ये कर दे चढ़ा जो गुस्सा इसके सर पर रहना यारो इससे डर कर बड़ा गजब है इसका चक्कर बड़े बड़ों को ठीक ये कर दे चढ़ा जो गुस्सा इसके सर पे रहना यारो इससे डर के बड़ा गजब चक्कर ये है क्रेजी स्टार। डर को जिसने मार भगाया किसी के आगे हार न पाया दुनिया में वो शेर बनकर है जिया। सुन ले तू जरा ये कब से हमें फॉलो कर रहा है। एक काम कर लेफ्ट में ले। ठीक है स्ट्रेट स्ट्रेट चल लेफ्ट ले लेफ्ट ले गोडाउन में चल तुझे क्या लगा तू मुझे यहाँ फॉलो करते हुए आया है। नहीं मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ शिकार करने के लिए। शेर हिरन का पीछा जंगल में करता है। हिरन खुद शेर को ढूंढते हुए पहली बार इस चंद्र के अड्डे में आया है। जब तक ये सूरज रहेगा तब तक ये चंद्र भी यहाँ रहेगा। भगवान के एक दिन में राहु काल यमगंड काल गुलिक काल के लिए केवल 4.5 घंटे दिए हैं। बाकी के 19.5 घंटे जो हैं, वो सिर्फ चंद्र को ही मिले हैं। काल चक्र की डोर सिर्फ मेरे हाथों में है। माँ की कसम खाकर कहता हूँ मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता इसलिए अपनी स्टाइल में ही आपको समझाता हूँ। मैं हमेशा वक्त का इंतजार करता हूँ और सही समय पर वार करता हूँ। बच गया तो तेरी किस्मत वरना सीधा ऊपर आजा आजा। हाथ पैर तोड़ता है गर्दन मरोड़ता है जो भी इससे लेता पन।
बच्चा उससे नहीं छोड़ता है। आखिर तुम्हारी मेरे से क्या दुश्मनी है? हमारे कुलदेव लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा जी, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। मतलब मैं भी वही करूंगा। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने, किसी की जान बचाएं, लेकिन अपने भतीजे के हाथों खून करवाने वाले आप अकेले चाचा हैं। भगवान किसी की जान लेते हैं तो कहा जाता है कि दुष्ट के संहार के लिए अवतार लिया। एक राजा खून करता है तो कहते हैं राज्य की भलाई के लिए ऐसा किया, और जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो उसे समाज से गंदगी हटाने का नाम दिया जाता है। यहां तुमने जो किया है वो सिर्फ खून है, ये किसने कहा? मेरी आत्मा ने। जब भी मैं किसी का खून जमीन पर बहते हुए देखता हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि कोई पाप कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि किसका खून कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। हिरन पैदा होते ही खेलना शुरू करता है और शेर पैदा होते ही शिकार करना शुरू कर देता है। मैं हिरन की तरह ना खेल कर शेर की तरह शिकार क्यों कर रहा हूँ ये सवाल करोगे तो इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम एक शिकारी हो और तुम शिकार ही करोगे। मुझे ये रामायण नहीं सुननी, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मैं खून क्यों कर रहा हूँ। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा जाता है। मैं खून करवा रहा हूँ और तुम खून कर रहे हो। पाप पुण्य का हिसाब किताब मत देखो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। अभी तुम जाओ। नहीं, जवाब नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मुंबई के नलों में चाहे पानी आए या ना आए, लेकिन गलियों में खून की नदियां जरूर बह रही हैं। और इसका उदाहरण ये है हाल फिलहाल में दुबई से लौटे हुए चंद्रशेखर उर्फ चंद्रू जी की अपने ही गोदाउन में हुई हत्या। कुछ दिन पहले ही बलराम जी की भी इसी तरह से हत्या हुई थी
और ये दोनों ही भूपति जी से जुड़े हुए थे। इन दोनों की हत्या एक ही तरीके से होने की वजह से इन दोनों खून का हत्यारा एक ही है, ऐसा माना जा रहा है। आपका क्या कहना है सर? मैं यूनिफॉर्म दे दूं क्या? आप ही इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, हमारा काम आप ही कर रही है ना, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अपडेट्स मिलते ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। इस तरह हवा में तीर चलाकर लोगों को मिसगाइड मत कीजिए। सर, वारदात की जगह ये चाबी मिली है। रामनाथ जी, कार इन्फॉर्मर्स और डुप्लीकेट की बनाने वालों को बुलाइए। इस की से कोई भी कार ओपन हो जाती है, ऐसी चाबी कौन यूज करता है जरा बताएंगे? सर वो सीजर्स है। चंद्र और बलराम को मारने वाला एक मर्द की औलाद ही है। हम लोगों के सपनों में आते हैं तो सब डर के मारे अपना बिस्तर गीला कर देते हैं। तेरी कसम चंद्र, उसे मार कर शंख बजाकर उसकी लाश पर अपने आदमियों को डंक नका करके पूरे दिन नचवाऊंगा। अभी तक पहला ही केस सॉल्व नहीं हुआ है, ऊपर से एक और खून हो गया। आप आखिर कर क्या रहे हैं? आपसे जब मैं पहली बार मिला था तो आपके अंदर का जुनून देखकर मुझे लगा आप ये केस 10 दिन में सॉल्व कर लेंगे। बट नथिंग हैज हैपेंड। आई कांट टेक दिस एनीमोर। खूनी बहुत ही चालाक है सर, खून करने से पहले अच्छी तरह से प्लान करके एग्जीक्यूट करता है सर। मंत्रियों से, भूपति के लोगों से कितना प्रेशर आ रहा है पता है? व्हाट एम आई सपोज टू आंसर देम? अगर आपसे ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिए, आई विल फाइंड सम अदर बेटर ऑफिसर टू सॉल्व दिस। एक हफ्ते की मोहलत दीजिए सर। 1 week, mind it, that's all. Hey, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। हे काय बाबा, ये तो ऑफिस में भी कार में बैठा है। Hey, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा, जान से। ब्रेक फेल हुई गाड़ी की तरह क्यों पेश आ रहे हो? ए, आज एक्सीडेंट होकर रहेगा। तुम्हें चेयर चाहिए क्या बैठने के लिए? लेकर बैठ जाओ। थैंक यू। ये हाथ में क्या है? रॉड है। तुम्हारे हाथ में सूट नहीं कर रहा है, नीचे रख दो। नीचे रख दो। रख दिया। अब बोलो बात क्या है? मेरी चार गाड़ियां सीज कर दी है आप लोगों ने। तुमने पैसे नहीं भरे होंगे इसलिए सीज कर दी गई। अरे किसी आंडू पांडू ने पैसे भरे नहीं होंगे तो उसके बदले में मेरी बैंड काई को बजा रहे हो? ये उन आंडू पांडू लोगों से ही पूछो। खैर छोड़ो, ये एक ऑफिस है क्या? ऑफिस है क्या ये? जुरासिक पार्क लगता है। लोन चुकता ना करने वालों के लिए जुरासिक पार्क ही है। और मैं गॉडज़िला। यहाँ सब लोग गॉडज़िला ही है। ए, नहीं छोड़ूंगा, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कोई मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। अगर मेरी गाड़ियां मेरे को नहीं मिली तो मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। चुपचाप बैठो। काई को बैठो भाई। हाँ, ये बुला। आए, बुला ना। अरे उसके बाप को बुला, नहीं तो तेरे बाप को बुला। आज मैं सबको देख लूंगा। इधर आना वेंकी। जी आना। बहुत बड़ा सूरमा है क्या? ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने देते हो? तुम क्या कर रहे थे? भाई आप ही ने तो कहा था कि हाथ पैर काट के आना। काट कर आ गया भाई, उसका सिर छोड़ कर आया हूँ जिंदा रहने के लिए। किसका सर? सर भेड़ का या बकरे का? तुम जैसो का। वो काई को। नौटंकी कहीं के। लोन मांगते वक्त हाथ पैर पकड़ लेते हो, जब वसूली का वक्त आता है तो इधर उधर भागते हो और उल्टा यहाँ आकर हमें सुनाते हो। तुम लोगों के हाथ पैर नहीं काटेंगे तो और क्या काटेंगे? करेक्ट सर। भैया पकड़िए सर। हाँ ज्यादा मत झुको वरना पैंट फट जाएगी। अरे सर, ना मेरे को गाड़ी चाहिए और ना कुछ और। ये मेरे दो पैर और दो हाथ बहुत ही मजबूत है। घाटकोपर से लेकर वर्सोवा तक और फिर वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक मेट्रो से ही सफर करूंगा। चलता हूँ सर। तुम अभी तक खड़े क्यों हो यहाँ पर? जा रहा हूँ ना सर। जाओ जाओ, पिछवाड़ा संभाल के। सर आपको ताज की बिरयानी बहुत ही पसंद है ना सर? मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है, आपके लिए भिजवाऊं सर? बीवी को या बिरयानी? दोनों भी नहीं। ये अड़ा कोटला, पहले तो लोगों के मुंह से इनके बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। इसकी जरूरत है क्या? घर बार सब बेचना पड़ सकता है, गाड़ी लेने के बाद लोन टाइम पर भरिएगा। ए वेंकी जी भाई, हमारे सीजर के परिवार में कौन कौन है? जहाँ तक मुझे पता है उसके चाचा हैं बस। उनसे बोल देना कि मुझसे आकर मिले। ठीक है भाई। चाचा भतीजा दोनों मिलकर लगता है कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं। आपके पास सीजिंग करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं फाइनेंस का काम लीगली कर रहा हूँ, लेकिन तुम जरूर कुछ इलीगल काम कर रहे हो। नहीं भाई, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सच जान चुका हूँ।
ए! ए! गाड़ी कहाँ लेकर जा रहा है? हाँ, कसाई खाने में। मार क्यों रहे मुझे तुम? ये मेरी अपनी स्टाइल है। ये काम मेरे मालिक ने दिया है, मैं उनको फोन लगाता हूँ, आप बात कर लीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों ने गाड़ी रोक ली, उनसे बात कीजिए। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करोगे? तेरा मेरे धंधे से क्या संबंध है ये बता। तुझसे या तेरे धंधे से मेरा कोई संबंध नहीं है, संबंध मेरा गौ माता से है। गौ माता हमारी माँ है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हम सिर्फ पानी, भाषा, मिट्टी के लिए नहीं लड़ते, हम गाय के लिए भी लड़ते हैं। हमें सिर्फ अपनी माँ का कर्ज ही नहीं, भारत माता का भी कर चुकाना है। गाय के बारे में इतना बोल रहा है, मतलब तू 16 ओनली फाइनेंस कंपनी का मालिक ही होगा? लोगों के पीछे पड़कर उनकी गाड़ियों को सीज करने के बजाय मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये पता है क्या तुझे? ए सुन, तेरी गीदड़ धमकियों से हम डर जाएंगे ये समझ रहा है क्या तू? जो मुझसे नहीं डरते हैं बोलने वाले सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। गाय का अपमान करना या कसाई के हाथ बेचना दोनों गलत है। अगर हमारे धंधे में टांग अड़ाया ना तो तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। हिम्मत है तो फोन पर बात करने के बजाय मेरे सामने आ, मेरे दर्शन होते ही तू हमेशा के लिए संन्यास ले लेगा। ए सीजर। हाँ भाई। गाड़ी को लेकर गौशाला में जाओ। ओके। बोल। किसने मेरी गाड़ी सीज की? 10 साल से इस शहर में मैं लोन की गाड़ियों का धंधा करते आ रहा हूं। मैं इन्वॉल्व हूं यह जानने के बाद कोई बैंक मुझसे पूछने तक नहीं आती, और एक मामूली सा ऑफिस खोलकर छोटी मोटी गाड़ियां सीज करके तू मुझसे पंगा लेने चला है। हे भूपति, आज तक मैं अपनी फाइनेंस की हुई गाड़ियों को ही सीज करता आ रहा था। बैंक से फाइनेंस की हुई गाड़ियों का धंधा तेरा है कह रहा था ना? आज से समझ ले तेरा नहीं रहा। अब यह धंधा मेरा है और आज से तेरा मेरा शुरू। आज से क्यों? अभी से शुरू। मैं खुद आता हूं तेरे अड्डे पर। ए, गाड़ी निकाल। ये गाड़ी को बेच देना है। ठीक है भाई, समझ गए ना? हाँ। नमस्ते भाई। भाई गाड़ी में आप सीजर से बात कर रहे थे अपने धंधे के बारे में, कोई खास बात तो नहीं है भाई? दोनों चाचा भतीजों को ये सब खेल लग रहा है। ए, तुम दोनों क्या कर रहे हो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तुम खून करवा रहे हो और वो क्या कर रहा है, क्या है ये सब? अब आपसे बात छुपाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे गांव में मेरे भाई की विनम्रता की वजह से, अपने काम के प्रति श्रद्धा की वजह से, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होने की वजह से गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे और यही उनकी मौत का कारण बनी। नमस्ते पंडित जी। ओ हो भूपति जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है पंडित जी। क्यों, क्या हुआ बताइए, चाहे तो आप पूजा आराधना करवाएंगे यही ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला है पंडित जी। मेरी परेशानी दूर करने के लिए आपको मुझ पर थोड़ी दया दृष्टि दिखानी होगी। तुम अपने पिताजी की जमीन के बारे में पूछ रहे हो ना? पंडित जी बहुत समझदार हैं, आप तो जानते ही हैं इस जमीन का हकदार मैं ही हूं। एक श्लोक है सुनो, वने रणे शत्रु जल अग्नि मध्ये। ए, मुझे कहानी मत सुनाइए, मुझे मेरी जमीन चाहिए, आप बस वो दे दीजिए। नहीं दूंगा, तुम्हारे पिता ने वो जमीन ऐसे ही नहीं दी है, कागज पत्र पे साइन करके वो जमीन हमको दी है। वो नहीं रहे इसलिए अपना हक मत जताओ, मैं तुम्हें वो जमीन कदापि नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो भूपति, सोने जैसी जमीन उस पंडित को देकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें रास्ते पे ला दिया? सोने है। जैसी जमीन नहीं, सोना पैदा करने वाली जमीन। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जानते हो चंद्र, उस जमीन की एक बोरी मिट्टी एक पत्थर बेचने से लाखों लाखों मिलेगा। सोच कर देख, 10 एकड़ जमीन करोड़ों करोड़ों रुपए है। उस पंडित को तुम्हें पैसों का लालच देकर फिर से पूछना चाहिए था। आरती की थाली में 1-2 रुपए देखने वाला आदमी इतनी बड़ी जायदाद छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बेकार में तुम उस जगह को मंदिर के नाम होने दोगे क्या? मंदिर के नाम में नहीं होने दूंगा,
वो मेरे बाप की जायदाद है, मुझे मिलनी चाहिए। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो मैं आसानी से छोड़ दूं। इतने दिन तक चुप था, अब चुप नहीं रहूंगा। कहां है बलराम? दूसरों के भविष्य का आईना होने वाले मेरे भैया का एक दिन उसी आईने में अपने बेटे का भविष्य नजर आया। बेटे के हाथों से कई खून होंगे और वो बुराई के रास्ते पर चलेगा, ये जानने के बाद उसे रोकने का समय मेरे भैया के पास नहीं था। नमस्कार पंडित जी। अरे शीला कहाँ हो? नमस्ते। अरे बच्चे पे ध्यान दो। पंडित जी नमस्ते। खो गया तो? देखिए पंडित जी, जर जोरो जमीन अगर कोई खोता है तो उसे बहुत दुख होता है, आपको पता ही है। इसीलिए उस जमीन को खोने के दुख में मैं आपसे गलत पेश आया। मुझे क्षमा कीजिए और इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान आपका भला करे। आयुष्मान भव। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज आइए ना। पंडित जी आइए ना। चाचा जी मुझे वो चाहिए। पंडित जी ये मामूली 10 एकड़ की जमीन रखकर आप क्या करेंगे? इसकी जगह मैं आपको एक बहुत बड़ी जगह भेजना चाहता हूं। मतलब स्वर्ग में। आज के बाद हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, तू कुछ नहीं पूछेगा और जो मैं कहूंगा तू वही करेगा। जिसके चरित्र के बारे में आपको अनुमान है उसके जीवन का रक्त चरित्र यह है सर। हे जी भाई, सोचा था 2-4 गाड़ी सीज की होगी, यहाँ तो पूरा गाड़ियों का भंडार है। उसने तो बहुत माल छापा होगा। हाँ भाई, वो है कहाँ? आप आ रहे हैं ये पता चलते ही भाग गया होगा, वो तो डरपोक निकला भाई। वो डर कर भागने वाला आदमी नहीं है, सामने खड़े होकर सामना करने वाला आदमी है। मैं आ रहा हूँ, ये पता होता तो वो जरूर मिलता। आओ चलते हैं। कौन है वहां? ए इधर आ रहे। ए तू पंडित का भाई है ना, तू अभी तक जिंदा है? हे हम नरसिम्हा के भक्त हैं, हमें बचना भी आता है और दुश्मनों को मारना भी। मतलब बलराम और चंद्र को? हे उन्हें तो नहीं, अगर मैंने सीजर के बारे में इसे बता दिया। हे क्या सोच रहा है तू, बलराम और चंद्र को अकेले मारा था या तेरे साथ कोई और है? किसी और की क्या जरूरत है, मैंने ही उसे मारा है। एक को रास्ते पर काट कर फेंक दिया और दूसरे को उसी के गोडाउन में 13वीं से मार डाला और अब तुझे भी यहीं पर मार कर। अब इसके साथी को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आ जाएगा। चाचा आज के बाद हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, तू कुछ नहीं पूछेगा और जो मैं कहूंगा तू वही करेगा। देख बेटे, आज से मैं ही तेरा चाचा हूं और मैं ही तेरा पिता भी। भूपति ने इन्हें मारा है। जिसके चरित्र के बारे में आपको अनुमान है उसके जीवन का रक्त चरित्र यह है सर। यहां तुमने जो किया है वो सिर्फ खून है, ये किसने कहा?
हिरन पैदा होते ही खेलना शुरू करता है और शेर पैदा होते ही शिकार करना शुरू कर देता है। मैं भी हिरन की तरह खेलता, शेर की तरह शिकार क्यों कर रहा हूं, ऐसा सवाल करोगे तो इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम शिकारी हो और शिकार ही करोगे। मैं खून करवा रहा हूं और तुम खून कर रहे हो। यह पाप पुण्य का हिसाब तुम मत देखो, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जब सवाल अपने आप पैदा होते हैं तो उसका जवाब भी अपने आप ही मिलता है। अभी बहुत से काम को अंजाम तुम्हें देना है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, मेरा प्रण भी पूरा हो जाएगा। सीजर भाई, अफसोस मनाने से खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती। नहीं भाई, चाचा शेर को भी मात देने की हिम्मत रखते थे, ऐसे में वो इतनी आसानी से मर गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दो खून भाई, दो खून। उन्होंने मुझसे खून क्यों करवाए ये बताने से पहले ही वो मारे गए। वो मारे गए इतना ही तुम्हें पता है, लेकिन वो क्यों मारे गए ये बात मुझे पता है। क्या पता है आपको? इतना ही नहीं, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा गांव कौन सा है, मुझे सब पता है। ये है कहानी। मुझे वन एंड ओनली फाइनेंस के कार शेड में लेकर आए हैं, जल्दी आओ। कहां हो तुम लोग? सब लोग आ गए ना, चलो जल्दी चलो।
डरपोक, चूहे की तरह क्या फड़फड़ा रहा है? बचने के लिए बिल ढूंढ रहा है क्या? बचने के लिए? और मैं? ए, तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूं? गाड़ियां सीज करने वाला एक मामूली आदमी होकर तू मुझे सीज करके यहां ले आया? बता कितने पैसे लिए, किसके कहने पर किया? मैं उसे यही गाड़ दूंगा। ए भूपति, मैंने बलराम और चंद्र को मारकर तेरे दोनों हाथ काट दिए, अब बता तू अकेला मेरा क्या कर लेगा? क्या कहा? एक छोटा सा सच बताया तो तू टेंशन में आ गया, अब तेरी धुलाई करूंगा तो पूरा वाइब्रेट होगा। हे चंद्र, बलराम को मारने वाले उस पंडित के भाई को मैंने टपका दिया, तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। फिर उनसे खून का रिश्ता है मेरा, उनके खून से शुरू हुआ था, तेरे खून पे खत्म होगा। तो खून का रिश्ता उनसे? हे, कहता है पंडित से कोई खून का रिश्ता है, क्या रिश्ता है पता चलने तक सांसें नहीं रुकनी चाहिए, और पता चलते ही सांसें नहीं चलनी चाहिए। ए,
सीने से लगाकर प्यार करने वाले मेरे पिता को मार दिया, पलकों पर बिठाकर जान छिड़कने वाले चाचा को मार दिया। जानना चाहता है मैं कौन हूं? बाप का नाम नरसिम्हाचारी, चाचा का नाम प्रहलादचारी, विष्णुपुर गांव। पहले दोनों खून मैंने बिना कुछ जाने हुए किए, लेकिन ये खून मैंने जानबूझकर किया है। इस भूपति के दुश्मन पांडवों की तरह सिर्फ पांच नहीं है, कौरवों की तरह सैकड़ों हैं। ये उसी ने कहा था, उन्हीं में से किसी ने ये मारा, ऐसी केस फाइल करूंगा। लोगों की जाने लेने वालों की तुमने जान लेकर बहुत से लोगों की जाने बचाई है। ये खून नहीं है, संहार है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? अपने पापा से कहो वो लोन भर दें। हेलो भाई, एक डील है, थोड़ा सा रिस्की है। इस राज्य में पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेटर, गुंडे, सेलिब्रिटीज और बहुत सारे वीआईपी लोग, हिसाब लगाए तो कुल 3,000 गाड़ियां, उन्हें सीज कर पाएंगे क्या भाई? इस वन एंड ओनली कंपनी के जरिए ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है, ये जानकर ही फोन किया है तुमने। डील मंजूर है। इन 3,000 गाड़ियों को सीज करने के लिए अपने पुराने सीजर की जरूरत पड़ेगी। It's the best.